बांग्लादेश ने टॉस जीता है और इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा है। किसने सोचा था कि चेन्नई जैसी कंडीशन में कोई टीम ऑपोजिशन को पहले बैटिंग करने के लिए कहेगी और खुद फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करने को रेडी है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है इस वक्त बांग्लादेश को अपने फास्ट बॉलर्स पर कि बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि वो इंडिया को पहली मॉर्निंग में ओवरकास्ट कंडीशंस में पकड़ सकती है। जी हाँ, चेन्नई में ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दोनों टीम्स ने तीन तीन फास्ट बॉलर खिलाए हैं। अब ये मैं कह नहीं सकता कि सही डिसीजन है या गलत। बांग्लादेश को तो मैं फिर भी कह सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ कि शायद बांग्लादेश फिलहाल पाकिस्तान में अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जीत के आया है और इंडिया चेन्नई जैसी पिच पे जो कि रेनाउंड है टू बी द मोस्ट टर्निंग ट्रैक इन इंडिया, वहां पर घास क्यों छोड़ी गई है, क्या वो डेड ग्रास है, क्या इंडिया यहाँ पे भी फंस सकती है, ये कहना मुश्किल है। आकाशदीप को खिलाया जा रहा है एज थर्ड फास्ट बॉलर अपार्ट फ्रॉम बुमराह एंड सिराज। सिराज की जगह पे मुझे जहां तक लगता है अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था। आई विल स्टिल से कि अक्षर पटेल इज वेरी अनलकी, जब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं लेकिन उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। अभी दिलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ T20 खेल रहे थे और फिलहाल खेले नहीं, उन्हें अभी दिलीप ट्रॉफी में भी खिलाया गया, वहां पर भी उन्होंने बैटिंग भी जबरदस्त की, बॉलिंग भी जबरदस्त की। लेकिन टीम में अगेन अश्विन एंड जडेजा आर द ओनली टू स्पिनर्स और तीन फास्ट बॉलर्स। वेल, आकाशदीप के सिलेक्शन को तो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से आपसे कह रहा हूँ कि आकाशदीप टेस्ट क्रिकेट के लिए एक जबरदस्त बॉलर है, लेकिन सिराज की जगह पे शायद अक्षर पटेल को खेलना चाहिए था। दूसरी बड़ी चेंज, जैसा कि एक हिंट मिल गया था जब सरफराज खान को कहा गया था कि उन्हें दिलीप ट्रॉफी की स्क्वाड से नहीं हटाया गया है, इसका मतलब प्लान पहले से ही था कि मिडिल ऑर्डर में शायद सरफराज को नहीं केएल राहुल को खिलाया जाएगा और केएल राहुल खेल रहे हैं। एंड अब देखना पड़ेगा कि इंडिया की ये जो बैटिंग लाइनअप है, केएल राहुल जडेजा, ये लोग कैसी परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि इनके फॉर्म के ऊपर एक डाउट है। दिलीप ट्रॉफी में भी केएल राहुल ने हालांकि एक हाफ सेंचुरी बनाई थी लेकिन वो काफी स्क्रैची स्लो हाफ सेंचुरी थी, तो देखना पड़ेगा कि टीम्स कैसी परफॉर्मेंस करती हैं। और सिराज की परफॉर्मेंस पे भी एक नजर रखनी बहुत जरूरी है कि सिराज किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने ऑफकोर्स अपने तीन जो टॉप फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, नाहिद राणा, टस्किन अहमद और हसन महमूद, तीनों को खिलाया है, विच इज फेयर इनफ क्योंकि अभी इसी टीम के साथ वो एक सीरीज जीत गया है। तो बांग्लादेश को तो ये तीन फास्ट बॉलर्स खिलाने ही थे चाहे जैसे भी कंडीशंस हो। स्पिनर्स के नाम पे उनके पास दो ऑलराउंडर्स हैं, शाकिब और मेहंदी हसन मिराज, विच इज गुड इनफ। लेकिन शायद अगर ये बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक दिख रही होती तो मे बी शायद टस्किन या हसन महमूद की जगह पे आपको ताइजुल इस्लाम खेलने हुए दिख जाते, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ पिछली बार भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन कंडीशंस काफी ओवरकास्ट हैं, 28 डिग्री टेम्परेचर है। मैं तो मतलब ऑफकोर्स सेप्टेम्बर में चेन्नई में कम मैचेस होते हैं लेकिन स्टिल इट इज वेरी कूल एज कम्पेयर टू व्हाट चेन्नई इज नोन फॉर। पिच भी काफी फास्ट बॉलर सपोर्टिंग है, तो काफी एडवर्स कंडीशंस हैं चेन्नई में। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो डिसीजन बांग्लादेश ने लिया है कि एक रेड स्पाइल की विकेट पे वो इंडिया को पहले बैटिंग कराना चाहते हैं, तो पहला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दूसरे तीसरे सेशन में कंडीशंस ऐसी रहेंगी। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगा गर्मी बढ़ती जाएगी और फिर शायद स्पिनर्स का रोल ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर पहले सेशन में बांग्लादेश ने 3 से 4 विकेट ले लिए तो मेरे ख्याल से उनका ये डिसीजन जस्टिफाइड होगा। एटलीस्ट 3 विकेट बांग्लादेश को लेने होंगे पहले सेशन में टू जस्टिफाई कि क्यों उन्होंने इंडिया से पहले बैटिंग कराई है। लेकिन बांग्लादेश अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, वो अपने फास्ट बॉलर्स को बैक कर रहे हैं, विच इज गुड टू सी। अब देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।